नमस्ते दोस्तों, आज हम खीरे का रायता बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक खीरा, छोटा सा प्याज, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, इसका मसाला है थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक और काला नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, भुना हुआ जीरा, कड़ी पत्ता तड़के के लिए, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा राई। मेरे पास ये 300 ग्राम दही है, इसका हम तड़का आज हम चम्मच वाले तड़के का रायता बनाएंगे। अब हम इसमें खीरे को कद्दूकस करेंगे। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। ये कद्दूकस कर दिया है मैंने इसमें। अब हम इसमें प्याज काटेंगे। इसमें बारीक बारीक प्याज काटेंगे। कच्चा प्याज, कच्चा खीरा काटने से इस रायता का टेस्ट अलग ही हो जाता है। अभी इसमें मैं हरी मिर्च काटूंगी, जो हमने दो हरी मिर्च लिया था। आप तीखा भी बना सकते हो, मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये जो मैंने मसाला बताया था आपको, मैं पूरे मसाले ऐड कर रही हूँ इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिला दें। इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। ये भी हम मिला देते हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। हम गैस चालू करेंगे। अभी ये मैंने चम्मच लिया है, इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। ये मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है। अब इसमें मैं राई डालूंगी, थोड़ा घी गर्म हो जाता है। ये हमारा घी गर्म हो गया है। अभी इसमें मैं राई डालूंगी, राई और कड़ी पत्ता दोनों डाल देती हूँ। देखिए हमारा तड़का पकने लग गया है। ये तड़का इसमें हमारा पूरा पक गया है। अब हम इसमें ये तड़का डालेंगे। ये हमारा रायता तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा रायता बन गया है। ये बनने में भी जल्दी बनता है, फटाफट बन जाता है और खाने में भी बहुत स्वाद है। इसे आप रोटी या परांठा के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। धन्यवाद।